नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप हैं मेरे YouTube चैनल BS टेक्निकल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको मिक्सी में पियानो मॉडल जो स्विच पड़ता है उस स्विच को चेंज कैसे करें। दोस्तों इस मिक्सी का जो बटन है केवल एक ही पॉइंट पर काम कर रहा है, बाकी स्विच इसमें फ्री हैं। तो चलिए दोस्तों स्विच डालना आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके चारों स्क्रू ड्राइवर से इसके पेंच खोल के इसके नीचे वाले कवर को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों कवर को हमने खोल लिया है और ओवरलोड के हमको ये दोनों तार हटा देना है। दोस्तों इस कवर को हम ये ओवरलोड के तार हटा के इसको अलग साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों हम इस स्विच को भी स्क्रू ड्राइवर से बाहर खोल कर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसके भी दोनों साइड में पेच जो लगे होते हैं उन पेच को हमें खोल के स्विच ओपन कर लेना है। तो दोस्तों स्विच हमारा जो है ओपन हो चुका है और इसके जो वायर हैं वो हमको अलग हटा देने हैं, स्विच को अलग कर लेना है। तो दोस्तों कटर की सहायता से मैं इस तरीके से वायर को काट के स्विच को अलग रख देता हूं। और दोस्तों इसकी जगह पर नया स्विच आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, किस तरीके से कनेक्शन करना है वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें इन दो पॉइंटों पर हमको एक डायोड लगाना होगा। डायोड से दोस्तों हमको स्पीड कम करने के लिए, एक पॉइंट पे जो है हमको स्लो करने के लिए डायोड की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सोल्डरिंग आयरन से हमको इस तरीके से डायोड लगा लेना है। दोस्तों डायोड मैं लगा चुका हूँ। अब दोस्तों चलिए मैं आपको इसके कनेक्शन करना बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके हम पेंच को लगा लेते हैं। पेंच को लगाने के बाद दोस्तों ये जो है हमारा न्यूट्रल वायर है, फेस तो हमारा ओवरलोड से होके मोटर के एक वायर पर आ जाता है और दूसरा वायर हमारा स्विच के इनपुट पॉइंट पर हम इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन से सोल्ड कर देंगे। दो शुरू के जो दो पॉइंट हैं इन पर हमको दो पॉइंट का एक बनाना है। तो हम जो हमारा रेड वाला जो है उनको हमने फर्स्ट वाले दो पॉइंटों पर लगा लिया है और दूसरा वाला हमने डायोड के एक सिरे पे हमको लगा देना है। तो दोस्तों दो पॉइंट तो हमने जो है डायोड की सहायता से शॉर्ट करके एक बना दिया दो का, जो कि हमारा दूसरे पॉइंट पर हमारा स्लो करंट जाए। और शुरुआत के हमने दो पॉइंट जो हैं सोल्डरिंग आयरन से जंपर लगाकर हमने कनेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमको ये स्विच को लगाना है। तो दोस्तों स्विच को लगाने के बाद अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारी स्पीड वर्क करती हैं या नहीं। तो दोस्तों हमारा स्विच जो है सही तरीके से लग गया है। शुरुआत के बटन जो है हमारा स्लो काम करेगा, उसके बाद मीडियम और हाई हमारा डायरेक्ट पे काम कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं स्विच हमारा अच्छे से वर्क कर गया है। तो दोस्तों स्विच हमारा कम्प्लीटली एकदम फिट लगा हुआ है। तो दोस्तों ये है इसका लगाने का सही तरीका, इसी तरीके से हमको ये स्विच लगाना है। तो दोस्तों इसी तरीके से कनेक्शन करने हैं। शुरुआत के दो पॉइंट हमको शॉर्ट कर देना है और डायोड वाले पॉइंट पर लगा देना है। उसके बाद हमको इस ओवरलोड के जो दो वायर हैं उनको भी लगा लेना है। तो दोस्तों ओवरलोड लगाने के बाद हम इसको फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।